इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का टॉपिक्स है चार्जिंग। चार्जिंग का डेफिनेशन होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यू टू सम मेथड विद सम मेथड्स उसको चार्जिंग कहते हैं। तो चार्जिंग का डेफिनेशन होगा टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय सम पार्टिकुलर मेथड्स इज कॉल्ड चार्जिंग। अब यहाँ देखना है कि जब हम किसी चीज़ को इलेक्ट्रिफाई करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उसका कुछ मेथड्स होता है। तो फिर हम इसके मेथड्स की बात करते हैं कि चार्जिंग का मेथड्स क्या होता है। तो इसके तीन मेथड्स हो सकते हैं, बाय फ्रिक्शन। मैंने पहले ही क्लास में बता दिया है कि जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप आपस में रगड़ते हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट पे अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज डेवलप होता है, तो वह दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिफाई हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। तो फ्रिक्शन से दो ऑब्जेक्ट में चार्जिंग डेवलप हुआ, चार्ज डेवलप हुआ। तो फ्रिक्शन मेथड से हम किसी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक पेयर भी बनाया था कि हर फ्रिक्शन से चार्जिंग नहीं हो सकता है, खास खास पेयर के बीच ही चार्जिंग होगा। उसके लिए मैंने पीछे के वीडियो में आपको उसका टेक्निक बताया था, ट्रिक बताया था, GFWQ सर्प ट्रिक। उसे आप देखिएगा तो आपको बहुत डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में समझ में आएगा कि किस तरह से फ्रिक्शन करने से चार्जिंग होता है, एक पे प्लस एक पे माइनस क्यों होता है, फिर उसके पीछे बिहाइंड मेकानिज्म क्या है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाता है वह निगेटिव चार्ज होता है। तो पहला मेथड हो गया फ्रिक्शन। दूसरा मेथड है बाई कंडक्शन। कंडक्शन मेथड से हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक ऑब्जेक्ट है, ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट है। चार्जिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये ऑलरेडी चार्ज है, ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट है, दिस इज चार्जिंग ऑब्जेक्ट। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज्ड, जिसको हमको चार्ज करना है। अगर हम ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज को इसके कॉन्टैक्ट में लाते हैं, सटा देते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज्ड, इसको हमको चार्ज करना है, तो इस ऑब्जेक्ट में इसके वजह से पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी का चार्ज डेवलप होगा। ये कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होगा, तो दो कंडक्टर्स के बीच में अगर आप उसको कनेक्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट में लाते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, चार्ज नहीं होता है, वह भी चार्ज हो जाता है। तो इस मेथड्स को हम कहते हैं कंडक्शन मेथड। इसमें क्या कहेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ चार्जिंग ऑब्जेक्ट एंड चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज्ड, तो दिस मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन। तो इसका डेफिनेशन आप ऐसा कंडक्शन का कह सकते हैं कि टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद द चार्जिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। ऐसा डेफिनेशन हो सकता है। लेकिन यह चार्जिंग ऑब्जेक्ट है और इसको थोड़ा सा सेपरेट करके रखते हैं, ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज को हम सेपरेट करके रखते हैं, उसके नज़दीक लाते हैं, तो क्या होगा, इसके नियर एंड में, जैसे ये एंड नंबर वन है, इस ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज का यह एंड नंबर वन है, तो इसके अपोजिट पोलैरिटी यहाँ पे डेवलप होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पैदा होगा, और इसके दूर वाला एंड में
पॉजिटिव चार्ज पैदा होता है। तो इसमें दोनों तरह के दोनों एंड पर चार्ज पैदा होता है इंडक्शन मेथड से। तो अगला मेथड हमारा क्या है, बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसे चार्ज कर सकते हैं। तो यहां आप समझिए कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्जिंग ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं बल्कि नियर लाते हैं, नजदीक लाते हैं, तब भी यह इलेक्ट्रिफाइड होता है। तो ऐसा टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन जो होगा वो इंडक्शन होगा। तो इंडक्शन का डेफिनेशन होगा टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग इट नियर द चार्ज्ड बॉडी, चार्जिंग बॉडी इज कॉल्ड इंडक्शन, उसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो ये इंडक्शन मेथड से भी चार्ज होगा, लेकिन कंडक्शन में कॉन्टैक्ट बनाने पे पूरे के पूरे बॉडी टू बी चार्ज्ड पर एक तरह का चार्ज डेवलप होगा। चार्जिंग बॉडी के चार्ज का जो पोलरिटी होगा वही पोलरिटी द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज्ड का भी होगा। लेकिन जब हम इंडक्शन करेंगे तो चार्जिंग बॉडी के नियर वाले एंड पे चार्ज की पोलरिटी चार्जिंग बॉडी के चार्ज के पोलरिटी का अपोजिट डेवलप होगा, और दूर वाले एंड में उसका सिमिलर पोलरिटी का चार्ज डेवलप होगा। ये ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ हम समझते हैं, चार्जिंग पढ़ा, मेथड्स ऑफ चार्ज पढ़ा, अब आगे मॉडल्स ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड पढ़ेंगे। कुछ मॉडल्स है उसको हम समझते हैं। तो मॉडल्स ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम एक मॉडल समझते हैं, मॉडल नंबर वन। ये मॉडल नंबर क्या है वो समझना है कि व्हेन द टू स्फीयर्स आर टू बी चार्ज्ड, अगर दो स्फीयर्स को, व्हेन द टू स्फीयर्स आर टू बी चार्ज्ड, इंडक्शन मेथड से हम इसको चार्ज करने जा रहे हैं। तो इसका स्टेप नंबर वन जो होगा वो ये होगा कि दोनों स्फीयर को, जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, इस दोनों स्फीयर को हम इंसुलेटिंग स्टैंड पर सेट कर देंगे। ये दो स्फीयर्स को इंसुलेटिंग स्टैंड पे सेट करेंगे, स्टेप नंबर वन। और सेट करने के बाद उसको सटा के रखेंगे कुछ इस तरह से, ये सटा के रखेंगे। तो स्टेप नंबर वन में क्या होगा कि द टू स्फीयर्स आर सेट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखेंगे। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि हम सीधे इस स्फीयर को क्यों नहीं सटाएंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पर ही रख करके क्यों सटाएंगे? क्योंकि जब हम हाथ से इस स्फीयर को पकड़ेंगे तो इस पर डेवलप होने वाला कोई भी चार्ज हमारे हाथ में लीक कर जाएगा, हमारा हाथ अर्थिन का काम करेगा। इसलिए उसको पकड़ के आगे पीछे करने के लिए, उससे सटाने के लिए इंसुलेटिंग स्टैंड चाहिए, ताकि हम अपने हाथ से इस इंसुलेटिंग स्टैंड को पकड़ के आगे पीछे सटाए तो इस पर जो चार्ज डेवलप हो वो लीक ना करे। इंसुलेटिंग स्टैंड से हमारा हाथ का कॉन्टैक्ट है, तो हाथ में हमारा ये इस पे जो बना हुआ चार्ज है वो लीक नहीं करे, इसीलिए इंसुलेटिंग स्टैंड का उपयोग करेंगे। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे कि इसके नज़दीक हम चार्जिंग बॉडी ले जाएंगे, कोई भी चार्ज बॉडी को इसके नज़दीक ले जाएंगे। तो ये हमारा हुआ स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में हम ऐसा रखने के बाद इसके नज़दीक चार्जिंग बॉडी ले जाएंगे। तो स्टेप नंबर टू में चार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इन नियर
दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के नज़दीक ले जाते हैं, ये हुआ। तो ध्यान रखिएगा ये जो पूरा ये दो जो स्फेयर है, मान लीजिए कि ये ए स्फेयर है, ये बी स्फेयर है, तो ए और बी दोनों स्फेयर के कॉन्टैक्ट होने से यह एक ही बॉडी है। ये जो आपका कॉन्टैक्ट है तो ये दो बॉडी नहीं है, एक ही बॉडी बन गया, जिसका ये नियर एंड हो गया और ये दूर वाला एंड हो गया। तो इंडक्शन के वजह से इस वाले एंड पर, इसके नज़दीक वाले एंड पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा और दूर वाले एंड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इस तरह से डेवलपमेंट होगा। अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर थ्री में इसको हटाएंगे नहीं और इसको अर्थिंग करेंगे, सॉरी स्टेप नंबर थ्री में हम इसको इंसुलेटिंग स्टैंड से इस दोनों को स्लाइटली सेपरेट करेंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से, और ध्यान रखिएगा इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ए बी पॉइंट है, तो जो तीसरा स्टेप है उसमें इस चार्ज बॉडी को हटाए बगैर हम दोनों स्फेयर को स्लाइटली सेपरेट करते हैं। इस पे डेवलप्ड जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उसके लोकेशन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, इस एंड पर ही माइनस होगा, इस एंड पे प्लस होगा। अब आप पूछिएगा कि आखिर यह क्यों ऐसा होगा, इसका कारण है कि यह जो चार्ज बॉडी है वो इसके नियर एंड के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचे हुए रहेगा, इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज पे इस नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्टिव फोर्स इफेक्टिव नहीं होगा, इसलिए ये अपने जगह पे ही होगा। अब अगला स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा कि हम इस चार्ज बॉडी को हटा देते हैं स्लाइटली सेपरेशन को मेंटेन करते हुए। तो तीसरे स्टेप में हमने कहा कि द टू स्फेयर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड विदाउट रिमूवल ऑफ चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग बॉडी को नहीं हटाए। और जो चौथा स्टेप है उस चौथे स्टेप में हम इस चार्ज बॉडी को हटा देते हैं। तो जब हम इसको हटाएंगे तो इस चार्ज बॉडी का ये नेगेटिव अपनी तरफ खींच रहा था उसके प्रभाव से वो मुक्त हो जाएगा। ये जो चार्ज बॉडी का पॉजिटिव चार्ज था वो ए के इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन चार्ज बॉडी के हटने से वह अट्रैक्शन का प्रभाव खत्म हो गया। तो यह जो है अब खींच लेगा इसको, ये वाला इस छोर पे आ जाएगा और ये वाला जो है वो इस छोर पे आएगा, इसमें अब खिंचाव पैदा हो जाएगा। मतलब स्फेयर्स पे डेवलप माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एक्टिव हो जाएगा, उसका प्रभाव क्रिएट हो जाएगा, जिसके चलते वो एक दूसरे को खींचेंगे। स्लाइटली सेपरेट करने का मकसद यही था कि अगर ये सटा हुआ रहता तो फिर यह न्यूट्रल हो जाता, इसलिए स्लाइटली सेपरेट करके ये माइनस और प्लस चार्ज एक दूसरे में लीक करने से बच गया, इसलिए हम इसको स्लाइटली सेपरेट करते हैं। तो चौथे नंबर स्टेप में हम इस चार्ज्ड बॉडी को हम हटा देते हैं, तो ऐसा सिचुएशन होगा। और पांचवे नंबर जो स्टेप है इसमें बिल्कुल हम इसको सेपरेट करते हैं, कम्प्लीटली सेपरेटेड। अब ये कुछ इस तरह से हो गया, ये बिल्कुल अलग कर दिया इसको। अब अलग करने से क्या होगा कि जो एक दूसरे पे एक जो अट्रैक्शन का प्रभाव था वो फ्री हो गया, वो भी, जिसके चलते ये पूरा का पूरा माइनस चार्ज उसके इंटायर सरफेस पे स्प्रेड कर जाता है माइनस चार्ज। और इसका जो प्लस चार्ज है वो इंटायर सरफेस पे स्प्रेड कर जाता है। इस तरह से ये दोनों स्फेयर हमारा क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। तो इसके पांच स्टेप है, इस दो स्फेयर को चार्ज करने का ये पांच स्टेप्स है। स्टेप नंबर वन कि द टू स्फेयर्स आर सेट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड एंड केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। सेकेंड स्टेप
में क्या करते हैं, ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर दिस अरेंजमेंट। थर्ड स्टेप में क्या है, द स्फेयर्स आर स्लाइटली सेपरेटेड विदाउट रिमूवल ऑफ चार्जिंग बॉडी। और चौथा नंबर स्टेप है कि द चार्जिंग बॉडी इज रिमूव्ड। पांचवा नंबर स्टेप्स है कि कंप्लीटली उसको क्या किया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। तो इस तरह से पांच स्टेप हैं जिस स्टेप से आप दो स्फीयर्स को चार्ज कर सकते हैं। ये मॉडल नंबर वन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का यह एक मॉडल है जिसे हमने आपको शेयर किया। अब यहां देखते हैं मॉडल नंबर टू। तो मॉडल नंबर टू में क्या है कि व्हेन द टू स्फीयर्स, नहीं सिंगल स्फीयर, एक ही स्फीयर हो, व्हेन द सिंगल स्फीयर इज टू बी चार्ज्ड, यह मॉडल नंबर टू है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हेन द सिंगल स्फीयर इज टू बी चार्ज, जैसे एक ही स्फीयर को हमको यहां पे क्या करना है, चार्ज करना। तो हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को हम इंसुलेटिंग स्टैंड पे सेट कर देते हैं। दिस स्फीयर इज सेट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। द फर्स्ट स्टेप क्या है कि द स्फीयर टू बी चार्ज्ड इज सेट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं, ए चार्जिंग बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। जैसे मान लीजिए कि ये माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को इस स्फीयर के पास लाते हैं। मान लिया ए ए स्फीयर है, तो इस ए स्फीयर के पास लाते हैं। तो इसका एक ये एंड है और एक ये एंड है, नंबर वन एंड है और नंबर टू एंड है। जो नंबर वन एंड है वो इस चार्जिंग बॉडी के नजदीक का एंड है, और जो नंबर टू एंड है वो चार्जिंग बॉडी के दूर का एंड है। तो नंबर वन एंड पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा इंडक्शन के द्वारा, और नंबर टू एंड पे नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं कि चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन नियर द स्फीयर। अब तीसरा स्टेप कुछ इस तरह का होगा, इसको हटाते नहीं हैं और सेकेंड एंड को हम अर्थिन कर देते हैं, इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो सेकेंड एंड ऑफ द स्फीयर इज ग्राउंडेड अर्थिंड विदाउट रिमूवल ऑफ चार्जिंग बॉडी, चार्जिंग बॉडी को हटाएंगे नहीं। ये हमारा तीसरा स्टेप हुआ। तीसरे स्टेप के बाद चौथा स्टेप में क्या करते हैं, विदाउट, तो ऐसा होने से क्या होगा, जब आप इसको ग्राउंड करेंगे जो सेकेंड एंड है इसका पूरा का माइनस चार्ज ये न्यूट्रल हो जाएगा और ये हट जाएगा, अर्थिंग में ये पूरा का पूरा लीक कर गया और यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा, इसका कोई चार्ज नहीं बनेगा। तो अर्थिन करने से अब सिर्फ इस पे एक फोर्स बना। मकसद क्या है, इस चार्ज बॉडी को नहीं हटाने का क्या मकसद है, मैंने कहा कि जब हम दो एंड को अर्थिन करेंगे तो हम चार्जिंग बॉडी को रिमूव नहीं करेंगे, विदाउट रिमूवल ऑफ चार्जिंग बॉडी। आखिर क्यों, उसका कारण है क्योंकि इसका माइनस चार्ज इस प्लस चार्ज को खींचे रहेगा। अगर ये पहले ही हटा के इसको हम अर्थिन कर दें तो ये इसको तो लीक करता ही, इसको भी न्यूट्रल कर देता क्योंकि ई इसको खींचे हुए है। इसलिए यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच के इसके अर्थिन के प्रभाव से इसको मुक्त रख रहा है। तो हम जो अगला स्टेप है उस स्टेप में हम इस टू एंड को अर्थिन करते हैं विदाउट रिमूवल ऑफ चार्जिंग बॉडी। उसके बाद का स्टेप है अब हम इसको डी अर्थिंग कर देते हैं। डी अर्थिंग करना मतलब द सेकेंड एंड इज डी अर्थिंग विदाउट रिमूवल ऑफ चार्जिंग बॉडी, फिर भी यह पूरा का पूरा बना हुआ चार्ज इस माइनस चार्ज के तरफ खिंचाया हुआ है। अब आगे का जो पांचवा स्टेप है, इस पांचवे स्टेप में हम क्या करते हैं, इस चार्जिंग बॉडी को हटा देते हैं, जिसके चलते इसका माइनस इस प्लस को जो अपने प्रभाव में खींच रहा था वो खिंचाव बंद हो गया और ये पूरा का पूरा प्लस चार्ज पूरे इंटायर सरफेस पे स्प्रेड कर जाता है, इस तरह से ये चार्ज हो जाता है। तो ये स्टेप है। तो इस स्टेप में जो पहला स्टेप है
उसमें क्या करते हैं, जब आप सिंगल स्फीयर को चार्ज करते हैं तो स्टेप नंबर वन, स्फीयर इज सेट ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड। स्टेप नंबर टू, चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। स्टेप नंबर थ्री, द सेकेंड एंड विच इज फार अवे फ्रॉम चार्जिंग बॉडी इज अर्थिंट। द फोर्थ स्टेज, विदाउट रिमूवल ऑफ चार्जिंग बॉडी, इस बात का ध्यान रखेंगे। फोर्थ स्टेज में द सेकेंड एंड ऑफ द स्फीयर इज डी अर्थिंट विदाउट रिमूवल ऑफ चार्जिंग बॉडी, उसमें भी चार्जिंग बॉडी को हटाते नहीं हैं। एंड द फाइनल स्टेज, जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज बॉडी को हटा देते हैं, जो चार्ज करने वाला बॉडी है उसको हटाते हैं। रिजल्टेंटली द चार्ज डेवलप्ड ऑन द एंड ऑफ दिस स्फीयर विल स्प्रेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड दैट विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ चार्ज बॉडी एंड इंड्यूस्ड चार्ज बॉडी, के बीच में जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका चार्ज कर सकते हैं। तो ये दो मॉडल हुआ। तो हमने आज आपको बताया चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड्स और चार्जिंग बाय इंडक्शंस के मॉडल्स। प्लीज राइट इट डाउन एंड वॉच द वीडियो कंटिन्यूअसली रिपीटेडली सो दैट यू मेक योर कंसेप्ट कन्फर्म। गुड लक।